हाय, आई एम राहुल। यूर वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया को सुन रहे हैं। आज हम उसमें जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को देखेंगे। कौन कौन गवर्नर जनरल जो है भारत में थे, तो वो क्लाइव से लेकर और माउंटबेटन तक देखा जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको बताया हूँ, हर वीडियो में यही बताता हूँ कि लूसेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए, सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑडियो फॉर्म में आप सुनते रहो, मेरी कोशिश है कि साफ़ सुथरी आवाज़ के साथ आप तक पहुँचाऊँ। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या मॉर्निंग वॉक या खाना बना रहे हो तो आप इसको सुन सकते हो। ठीक है, आपका रिवाइज होगा, याद हो जाएगा चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, एवं पुनः 1765 से 67, इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 यानी कि 1767 से 69, कार्टियर 1769 से 72, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 74। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता आया और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना की। फौजदारी अदालत सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी, नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का दो सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और तीन मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा
कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों राजा मोहम्मद, राजा खां तथा राजा सिताब शाही को पद से हटा दिया गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारीदार प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी मुख्य दो विशेषताएं थी, नंबर एक इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और दूसरा इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षण नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1785 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नोट, 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टिन हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। इसलिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इसी काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्त की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोट, 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्त की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों के कागजों को देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठों की नींव रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। सर जॉन मैकफर्सन 1785-1786, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कार्नवालिस 1786-1793 और 1805 ईस्वी, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर चार भ्रमण करने वाले अदालतें, जिनमें तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए नियुक्त की। कार्नवालिस ने 1793 में
प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है, जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की जिसके तहत जमींदार को भू राजस्व लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जानसोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के दो अन्य व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, तो देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश शासन की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुंडो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिए वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान की अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था जो धन के रूप में देना होता था। महलवाड़ी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। भू राजस्व संग्रह करने की विधियां, अब जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अब देखते हैं कौन कौन। तो क्षेत्रफल इसका था जमींदारी का 19%, 25 में जमींदार जो है इसको देखते थे। योजनाकार कौन था इसमें, लॉर्ड कॉर्नवालिस व जानसोर थे। रैयतवाड़ी में क्षेत्रफल 51% था, ठीक है, उसमें 5 किसान थे, रैयत यानी किसान, और योजनाकार थे रीड एंड टॉमस मुंडो। और महलवाड़ी में ये क्षेत्रफल का 30% था, इसमें 5 थे मुखिया या लंबरदार और इसको योजनाबद्ध किए थे होल्ट मैकेंजी एंड बर्ड ने, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। अगले गवर्नर जनरल है सर जॉन सोर, 1793 से 1898।
इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड बेलेजली, 1798 से 1805 ईस्वी। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग बेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। नोट, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसी ने 1800 ईस्वी कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासनिक अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। अगले गवर्नर जनरल हैं सर जॉन बार्लो, 1805 से 1807। 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 ईस्वी। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली के संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिम मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से 1828। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1828 से 26 लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बैंटिक। ये पहले भारत के गवर्नर जनरल हैं, इससे पहले सारे लोग बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, तो ध्यान रखना। ये लॉर्ड विलियम बैंटिक 1828 से 1835। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक हुआ। नोट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो ये भी याद रखना, जबकि कॉर्नवालिस केवल गवर्नर था बंगाल का, ये भी ध्यान रखना। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बैंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बैंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट, अकबर और मराठा पेशवाओं ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बैंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा
को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में वेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। नोट, भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। अगले गवर्नर जनरल ने चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैक रोड का मरम्मत करवाया। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय में हुआ। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामियों को अपने दासों द्वारा दावा करने के न्यायालय जाने से वंचित किया गया। नोट, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में से हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नारीवादी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848, अनेडे। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी अनेडित। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 में लोबर बर्मा एवं पेगो को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जयपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नोट, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था।
1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता में से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। वह 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। नोट नंबर एक, सत्येंद्रनाथ टैगोर अपने पहले भारतीय थे। फिर से देखते हैं, नोट नंबर एक, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 यह भारत में कंपनी का नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नोट 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय ही में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियमों 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 में कैनिंग के समय ही की महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन। 1862 से 1863 इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869। 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो ध्यान रखना।
अफगानिस्तान के संबंध में ये थोड़ा आप चेक कर लेना, 1865 में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868 से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में इसने इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट गवर्नर जनरल है लॉर्ड मेयो, 1869 से 72। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876, इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य अवकाश में इसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई मद्रास हैदराबाद पंजाब मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ये हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1 अक्लोर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। नोट, पायनियर अखबार ने 1 अक्टूबर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। नोट, 1878 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। अगले गवर्नर जनरल ने लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के समर्थन पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में 1 अक्लोर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया। नोट, भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में हुई परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया। रिपन के समय ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंध कर दिया गया। यह एक्ट
चाय कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एलवर्ड विधेयक प्रस्तुत किया गया लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को स्वेद विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। अगले गवर्नर जनरल ने लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इसके समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 1888 हुआ और वर्षा और वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एवो ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899 कर्जन ने भारतीय टंकड़ और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता को ऑपरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्टॉक वॉन कीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाया। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल ब्लूमफील्ड फूलर को, पश्चिमी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारियों के प्रश्न पर करचन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तारी एवं 6 वर्ष की सजा। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था माले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910-1916 इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। इसी के समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 एवं 1911 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीन चंद दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद बल, राज मैला, बसंत कुमार एवं अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्ष की सजा मिली। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले राज बिहारी बोस जापान भाग गए थे। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्रनाथ राय एमएन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। भारत में 1922 में 22 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की, जो 1922 में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कि अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया, ये भी ध्यान रखना। 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत राजस्व पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला।
1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी, 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। लाला लाजपत राय मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 22 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। नोट, वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर थे। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलिंगटन 1931 से 1936। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का अपने प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया। अंत में एक समझौता जिसे प्रायः पूर्ण समझौता कहते हैं किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में ईस्वी में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिथगो 1936 से 1943 ईस्वी, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम में अपनी सरकार बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण समर्थन नहीं मिले थे। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खजी कुज्जमा ने उसका समर्थन किया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अंग्रेज और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेज के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड बेबेल 1944 से 1947 ईस्वी, वायसराय बेबेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन भाग नहीं लिया, यद्यपि शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रूख 14 जुलाई तक बना रहा। अंततः बेबेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। 1945 में बनी क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचित क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझेदार सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टोफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं ए बी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 तक संप्रभुता भारतीयों के हाथों में दे देंगे। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। नोट, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ठीक है, तो इस प्रकार सभी गवर्नर जनरल समाप्त हुआ। अगला इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, देन थैंक यू।